नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक हैं और आज के क्लास के लिए हैं तैयार। बोली ऐसी हो कि हर शब्द गीत बन जाए, बोली ऐसी हो कि हर शब्द गीत बन जाए, जिंदगी ऐसी हो कि जिंदगी एक संगीत बन जाए। प्यारे बच्चों, इसी एहसास के साथ आज के क्लास में मैं जतरू बड़ाई आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछली क्लास में हमने आपके पाठ्य पुस्तक रिमझिम के नवे पाठ से एक कहानी पढ़ी थी। क्या आपको याद है कि उस पाठ का नाम क्या था? हाँ, उस पाठ का नाम था बुलबुल। मुझे उम्मीद है कि आपने अपने घर के आसपास जो भी पक्षी देखे होंगे उनका चित्र आपने जरूर बनाया होगा और इस विषय में अपने दोस्तों के साथ चर्चा भी की होगी। प्यारे बच्चों, आज भी मैं एक प्यारी सी कहानी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं। कहानी तो आपको पसंद है ना? जरूर पसंद होगी। अरे भाई, कहानी तो मुझे भी पसंद है। तो कहानी सुनने से पहले क्यों ना आपको कुछ वीडियो क्लिप दिखाई जाए, तो देखिए इस वीडियो क्लिप को। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी यह वीडियो क्लिप? आपने इन्हें शायद पहचान लिया होगा। ये हैं मशहूर तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन साहब। आपने इन्हें टीवी में विज्ञापन देते हुए भी देखा होगा, जिसमें इन्होंने कहा कि वाह उस्ताद नहीं, वाह ताज कही। क्यों, याद आ गया ना? अब देखिए दूसरे वीडियो क्लिप को। बच्चों, यह वीडियो क्लिप भी आपको जरूर पसंद आई होगी। इस वाद्य यंत्र को पहचानते हैं आप? आपने शायद अपने स्कूल में भी देखा होगा इसे। यह है ढोलक। ये है मशहूर ढोलक वादक ग्रीस जी। अब देखते हैं अगले वीडियो क्लिप को। क्यों, कैसी लगी यह धुन? इसे भी आप जरूर पहचानते होंगे, शायद आपके विद्यालय में यह वाद्य यंत्र होगा। यह है हारमोनियम। ठीक है, अब जो वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उसे ध्यान से देखिए और समझने का कोशिश कीजिए, साथ ही पहचानने का भी प्रयास कीजिए, क्योंकि जो वीडियो क्लिप मैं दिखाने जा रहा हूं इसमें जिस वाद्य यंत्र को आप देखेंगे उसी पर आज का पाठ आधारित है। तो देखिए इस वीडियो क्लिप को। क्यों बच्चों, इस वाद्य यंत्र को आपने कभी देखा है? शायद नहीं देखा होगा, है ना?
यह वाद्य यंत्र एक ऐसा यंत्र है जिसका प्रयोग अधिकतर राजस्थान में किया जाता है, और इस वाद्य यंत्र का नाम है सारंगी। बच्चों, आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं उस पाठ का नाम है मीठी सारंगी, और वह पाठ इसी सारंगी पर आधारित है। पाठ का नाम क्या है? मीठी सारंगी। प्यारे बच्चों, आज का पाठ आरंभ करने से पहले पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों का सरल अर्थ मैं आपको बताऊंगा, जिससे पाठ को समझने में आपको आसानी होगी। तो हम एक एक करके सरल अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं, पहला है दंग रह जाना। दंग रह जाना, इसका अर्थ है हैरान हो जाना। दंग रह जाना को समझने के लिए हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, जादूगर के जादू को देखकर लोग दंग रह गए। जादूगर के जादू को देखकर लोग दंग रह गए। देखिए यहां पर जादू, जादूगर क्या कर रहा है? देखिए, अपने टोपी से कबूतर निकाल रहा है, तो ये हैरानी की बात है ना। क्या आपने कभी जादू देखी है? नहीं देखी है तो यहां पर देख लीजिए, टोपी से कबूतर कैसे निकल रहा है। मेरे ख्याल से दंग रह जाना जो वाक्य है उसका अर्थ आपने समझ लिया होगा। अब बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। दूसरा है झुंझलाना। गुस्से के साथ साथ उदास होना या चिढ़ जाना। बच्चों, झुंझलाना शब्द को अच्छी तरह से समझने के लिए हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। जब बच्चे बहुत अधिक तंग करते हैं तब मां झुंझला जाती है। आप इस चित्र में देखिए, यहां देखिए एक लड़की बैठी है, शायद सामने टीवी होगा, उसे देख रही है, मां यहां से आवाज दे रही है लेकिन वह सुन नहीं रही, इसलिए परेशान हो गई, और इसी को आप कह सकते हैं झुंझलाना, मां झुंझला गई है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। बच्चों, तीसरा शब्द है चौपाल। गांव के बीच एक ऐसी जगह जहां पर गांव वाले बैठकर बातचीत करते हैं या मनोरंजन करते हैं। हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, रात को गांव वाले चौपाल में बैठकर सारंगी की मधुर धुन सुन रहे थे। आप यहां पर देख सकते हैं चित्र, देखिए यहां पर चौपाल बनी हुई है, लोग बैठे हुए हैं। ठीक है बच्चों, गांव में, बीच गांव में अगर कोई बड़ा पेड़ है तो सीमेंट से एक चबूतरा जैसा बनाया जाता है और उसमें लोग बैठते हैं, आपने इसे देखा भी होगा, तो इसे ही चौपाल कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। यारा चौथा शब्द खर्राटे। इस शब्द से आप जरूर परिचित होंगे, इसका अर्थ है नींद में अजीब तरह की आवाजें निकालना। क्या आप भी निकालते हैं, वाक्य में प्रयोग करते हैं? कुछ लोग नींद में खर्राटे लेते हैं, क्या आप भी लेते हैं, या आपके घर में कोई ऐसा काम करता है खर्राटे लेना? यहां देख सकते हैं आप, देखिए नींद में एक अजीब तरह की आवाज निकलती है, यहां पर देख सकते हैं आप, ये सोते सोते खर्राटे ले रहा है और ये परेशान है। देखिए आप देख सकते हैं, तकिए से अपने कानों को बंद करके रखिए। अब बढ़ते हैं आगे। बच्चों यहां पर आप देख सकते हैं शब्द है उड़ेलना। एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पानी भरना या बर्तन से पानी नीचे गिरा देना, इसे ही उड़ेलना
कहते हैं। वाक्य में प्रयोग करेंगे, गर्म दूध को ठंडा करने के लिए मां एक गिलास से दूसरे गिलास में दूध उड़ेलने लगी। आपके घर में भी यह होता ही होगा, मां जब आपको दूध देती है तो गिलास में दूध को पहले ठंडा कर लेती है, उसके बाद आपको देती है। आप यहां पर देख सकते हैं, उड़ेलना शब्द को समझने के लिए इस चित्र को आप देख सकते हैं। देखिए यहां नीचे गिलास रखा हुआ है और बोतल से पानी को इस गिलास में भरा जा रहा है, इसे ही उड़ेलना कहा जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला है सिर पीट लेना, अर्थ है बहुत दुखी होना। वाक्य में प्रयोग करेंगे, बच्चों के गलत कामों से कभी कभी माता पिता अपना सिर पीट लेते हैं। बच्चों, आप कभी जब गलत काम करते हैं तो माता पिता परेशान हो जाते हैं, इसलिए आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे माता पिता को अपना सिर पीटना पड़े। ठीक है, आगे बढ़ें। सातवां है खुशामद करना, इसका अर्थ है झूठी तारीफ करना। वाक्य में प्रयोग करेंगे, कुछ लोग खुशामद करने पर खुश हो जाते हैं। बच्चों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी झूठी तारीफ की जाए तो वे खुश हो जाते हैं, इसे ही कहते हैं खुशामद करना। तो बच्चों, आपने पाठ में आने वाले कुछ ऐसे शब्दों को सीखा, उनका सरल अर्थ जाना, जिसका प्रयोग पाठ में किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ पढ़ना। जैसे कि मैंने पहले बताया कि पाठ का नाम है मीठी सारंगी। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। एक गांव में कौन आया? एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाने शुरू किया था, तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। सारंगी की मीठी आवाज और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है। बच्चों, इन पंक्तियों में यह कहा जा रहा है कि एक गांव में एक सारंगी वाला आया। गांव में कौन आया? बताइए बताइए, गांव में एक सारंगी वाला आया। वह बहुत ही अच्छी सारंगी बजाता था। सारंगी बजाने का तरीका और सारंगी वाले के कला को देखकर लोग हैरान हो गए कि यह व्यक्ति इतना अच्छी तरह से सारंगी कैसे बजा सकता है। और सारंगी की धुन कैसी होती है? मीठी होती है। मीठी का अर्थ है बच्चों, ऐसा धुन जो सुनने में बहुत अच्छी लगे। आहा, कितना आनंद आ रहा है। वही पास में बैठा हुआ भोला लोगों की ये बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं, ये सब झूठे हैं। बच्चों, इन पंक्तियों में यह कहा जा रहा है, सारंगी की मधुर धुन सुनकर लोग खुश हो गए और बोले, आहा, कितना आनंद आ रहा है, यानी कि कितना मजा आ रहा है। उन्हीं लोगों के बीच एक
व्यक्ति बैठा हुआ था। उसका नाम था भोला। उसने सोचा अपने मन में कि सब लोग बोल रहे हैं कि सारंगी बहुत मीठी है, लेकिन मुझे तो मिठास का अनुभव ही नहीं हुआ। लगता है सब लोग झूठ बोल रहे हैं कि सारंगी मीठी है। बढ़ते हैं आगे। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। भोला ने सोचा शायद अगर मैं सारंगी वाले के पास जाकर बैठूंगा तो मुझे सारंगी मीठा लग सकता है। यह सोचकर वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया, तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यहीं ठहरिए। यह बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी जरूर है, पर मुझे ना जाने स्वाद क्यों नहीं आया। बच्चों, इन पंक्तियों में यह कहा जा रहा है कि रात के 3-4 बजे, रात के 3-4 बजे मतलब सवेरा होने वाला था, ठीक है, 3-4 बज गए, तब क्या हुआ, सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया। तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा कि महाराज आप सारंगी बहुत अच्छी बजाते हैं, आप यहां पर हमारे गांव में 2-4 दिन और रुक जाइए। गांव वाले ने महाराज को कितने दिनों के लिए रुकने के लिए कहा, हाँ 2-4 दिनों के लिए, क्योंकि उनका कहना था कि महाराज बहुत ही अच्छी सारंगी बजाते हैं। तब भोला ने सोचा कि ये लोग बार बार सारंगी को मीठी क्यों कह रहे हैं, मुझे तो कोई मिठास इसमें नजर नहीं आया। वह झुंझला गया, झुंझला गया मतलब एक तरह से वो गुस्सा हो गया और सोचने लगा कि सब लोग बार बार मीठी सारंगी कह रहे हैं, जबकि मुझे तो ऐसा कुछ लगा ही नहीं। हो सकता है सभी लोग बोल रहे हैं तो ये बात सच भी हो सकता है, शायद मुझे इसका स्वाद नहीं मिल पा रहा है। तो बच्चों, यहां मीठी शब्द का प्रयोग स्वाद के बारे में नहीं किया गया। पाठ धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो आप समझ पाएंगे कि मीठी सारंगी को लेकर भोला क्यों परेशान है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तब तक रात ज्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रख कर सो गया। जब तक सारंगी की धुन गांव वाले सुनते रहे, तब तक रात बहुत अधिक हो गई थी, इसलिए कोई अपना घर नहीं गया। कोई गांव वाले अपना घर क्यों नहीं गए? क्यों?
क्योंकि रात बहुत अधिक हो गई थी। सभी वहीं चौपाल पर सो गए और सारंगी वाला भी क्या किया, सारंगी पर खोली चढ़ाकर। खोली का अर्थ बच्चों जिस प्रकार से आप स्कूल बैग में अपनी पुस्तकें रखते हैं, ठीक उसी प्रकार सारंगी को रखने का भी एक बक्सा है, इसे ही यहां पर खोली कहा जाता है। सारंगी वाले ने अपने सारंगी को इस खोली पर रख दी और अपने सिरहाने रख कर सो गया। सिरहाने का मतलब होता है बच्चों, इस चित्र को देखिए, आप भी रात को जब सोते हैं तो सर के नीचे तकिया रखकर सोते हैं और सर के पास ही कभी कभी आप खेलते खेलते अगर सो जाते हैं तो अपने खिलौने को सर के पास रख देते हैं, उसे ही सिरहाने पर रखना कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार सारंगी वाले ने भी अपने सारंगी पर खोली चढ़ाकर यानी कि बॉक्स में रखकर इसे अपने सिरहाने के पास रखा और सो गया। अब देखते हैं आगे। पर भोला को चैन कहा था जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे, तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतार कर उसे जीभ से चाटा। देखिए बच्चों, इन पंक्तियों में यह कहा जा रहा है कि सब लोग तो सो गए लेकिन भोला को चैन नहीं। भोला को चैन नहीं, चैन नहीं का मतलब क्या है यहां पर, सोने का चैन नहीं, उसे बिल्कुल शांति नहीं मिल रही थी। वो बार बार सोच रहा था कि सब लोग मीठी सारंगी कह रहे हैं लेकिन मुझे तो कोई मिठास का आभास ही नहीं हुआ, इसलिए वह सोच सोच कर सो ही नहीं पा रहा था। बच्चों आपको भी याद होगा, अगर दूसरे दिन आपको कहीं जाना होता है या पिकनिक में जाना होता है तो आप रात को ठीक तरह से सो नहीं पाते हैं, बेचैन रहते हैं। ठीक उसी प्रकार भोला को भी नींद नहीं आ रहा था। जब सब लोग सो गए थे और सोकर खर्राटे भर रहे थे, मतलब गहरी नींद में थे, तब भोला चुपचाप उठा और क्या किया जानते हो, उसने क्या किया, उसने सारंगी के खोल से सारंगी को निकाला और उसे जीभ से चाटने लगा। बताइए यहां पर देखिए आप, सारंगी उठाकर भोला उसे जीभ से चाट रहा है। अब बता सकते हैं कि भोला ऐसा क्यों कर रहा है भला? भोला ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी समझ से सारंगी में ही ऐसी कोई चीज है जिसे लोग मीठी कह रहे हैं, तो मैं जरा चाट के देखता हूं कि इसमें कितनी मिठास है। अब देखते हैं अगले पंक्तियों को। कुछ स्वाद नहीं आया, अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफी पर बहुत झुंझलाया, अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। बच्चों इन पंक्तियों में यह कहा जा रहा है कि भोला ने सारंगी को उठाकर अपने जीभ से चाटा लेकिन कुछ स्वाद मिला उसे नहीं, उसे कुछ स्वाद नहीं मिला क्योंकि
सारंगी में कुछ था ही नहीं तो स्वाद कैसा मिलेगा। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को यहां देखिए आप ध्यान से, सारंगी में यहां पर देखिए एक छेद है। भोला ने क्या किया जानते हो, इस छेद को अपने मुंह के पास ले जाकर अपने मुंह के अंदर उड़ेला, क्योंकि वह सोच रहा था कि सारंगी के अंदर ही कोई ऐसी चीज रखी हुई है जो बहुत मीठी है, इसे ही लोग मीठी सारंगी कह रहे हैं। लेकिन यह क्या, सारंगी से तो एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। बच्चों बूंद का अर्थ आप यहां देख सकते हैं, देखिए पानी का बूंद, बारिश के मौसम में अगर आपके बगीचे में घुइया पत्ती होगा तो आपने ये नजारा जरूर देखा होगा। तो बूंद का अर्थ आप जरूर समझते होंगे, घर में जब नल में पानी आता है तो शुरू शुरू में बूंद बूंद पानी आता है, उसके बाद पानी आने की रफ्तार तेज हो जाती है, ठीक है। तो भोला ने सारंगी लेकर उसके छेद को अपने मुंह के पास लाकर उड़ेला, लेकिन उसमें से एक भी बूंद मीठी रस या कोई भी ऐसी वस्तु नहीं निकला, क्योंकि उसके अंदर कुछ था ही नहीं। अब वह झुंझला गया, नाराज हो गया, वह सोचने लगा कि सभी लोग बेवकूफ हैं। क्यों? क्योंकि इस सारंगी में तो कुछ है ही नहीं, फिर भी लोग इसे मीठी सारंगी कह रहे हैं। भोला नाराज होकर सारंगी लेकर उसे गांव के बाहर जाकर फेंक दिया और शरीफ आदमी की तरह चुपचाप आकर अपने जगह पर सो गया। देखते हैं अब आगे क्या होता है। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। लोग कहने लगे, बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। भोला इस बात को ना सुन सका और गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी। गुस्से से क्या बोला, क्या खाक मीठी थी, मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उसमें जरा भी मिठास नहीं थी। बच्चों इन पंक्तियों में यह कहा जा रहा है कि जैसे ही सवेरा हुआ लोग परेशान हो गए, क्योंकि सारंगी वहां पर नहीं था जहां उसे रखा गया था। कहां चला गया भला, क्या सारंगी अपने से उठकर कहीं चला गया? नहीं, जैसे कि आपने सुना कि सारंगी को गुस्से में आकर भोला ने गांव से बाहर फेंक दिया था, लोग बहुत दुखी हुए और आपस में बात करने लगे कि ना जाने सारंगी कहां चले गया। यह बात भोला से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने गुस्से में कहा, क्या खाक मीठी सारंगी है, इसमें कोई मिठास नहीं है। तो गांव वाले भोला से क्या कहते हैं देखते हैं। भोला गांव वालों से आगे कह रहा है, तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। आगे क्या कह रहा है भोला, भोला कह रहा है कि तुम सब झूठे हो और बाबा जी का खुशामद कर रहे हो, यानी कि बाबा जी का झूठी तारीफ कर रहे हो। लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहां? भोला ने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने
भोला की बेकूफी पर अपना सिर पीट लिया। मतलब गांव के सारे लोग भोला के इस करतूत से परेशान हो गए और अपना सिर पीट लिया। तो देखा बच्चों, भोला की नदानी से सारंगी गांव के बाहर चला गया, यानी कि भोला ने सारंगी को गांव से बाहर फेंक दिया, क्योंकि वह यह सोच रहा था कि सारंगी के अंदर ही ऐसी कोई चीज है जो स्वाद में मीठी लगती है, इसीलिए लोग इसे मीठी सारंगी कह रहे थे। उसे यह समझ भी नहीं आ रहा था कि मीठी सारंगी का अर्थ सारंगी से निकलने वाला मधुर धुन है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे बच्चों। आपने पाठ अच्छी तरह से समझ ली। पाठ पर आधारित मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, आप ध्यान से देखिए और जवाब देने का प्रयास कीजिए। यह रहा पहला प्रश्न। आप प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बाद इसके नीचे विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प पर आप सही का निशान लगाएंगे। पहला प्रश्न है, एक दिन गांव में कौन आया? ये रहे आपके विकल्प। क सब्जी वाला, ख दूध वाला, ग सारंगी वाला, घ मछली वाला। सोचिए सोचिए, कहानी को याद कीजिए और सही जवाब ढूंढने का प्रयास कीजिए। हाँ बिल्कुल सही, गांव में सारंगी वाला आया था, तो विकल्प ग सही विकल्प है। इसके सामने हम सही का निशान लगा देंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह रहा दूसरा प्रश्न, सारंगी की आवाज कैसी थी? ये रहे आपके विकल्प। क मीठी, ख कड़वी, ग नमकीन और घ खट्टी। बताइए तो जरा, सारंगी की आवाज कैसी थी? बिल्कुल सही, सारंगी की आवाज मीठी थी, तो विकल्प क सही है। विकल्प क के सामने हम सही का निशान लगा देंगे। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। सारंगी वाले को गांव वालों ने कितने दिनों तक गांव में ठहरने के लिए कहा? ये रहे आपके विकल्प। क एक दो दिनों के लिए, ख तीन चार दिनों के लिए, ग चार पांच दिनों के लिए और घ दो चार दिनों के लिए। सोचिए सोचिए, कहानी को याद कीजिए, सही उत्तर कौन सा होगा? बिल्कुल सही, सही उत्तर होगा विकल्प घ, दो चार दिनों के लिए। तो इस विकल्प के सामने हम सही का निशान लगा देंगे। अब यह रहा चौथा प्रश्न। गांव वाले रात को चौपाल में ही क्यों सो गए? ये रहे आपके विकल्प। विकल्प क है, सारंगी वाले ने उन्हें घर से निकाल दिया। ख घर के अंदर बहुत गर्मी था। ग घर के अंदर मन नहीं लग रहा था। और घ सारंगी की धुन सुनते सुनते रात अधिक हो गई थी। बताइए तो जरा, कौन सा विकल्प सही है? सही जवाब विकल्प घ सही है। इसके सामने हम
सही का निशान लगा देंगे। सारंगी की धुन सुनते सुनते रात अधिक हो गई थी। अब बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। यह रहा पांचवां प्रश्न। भोला ने सारंगी को कहां फेंक दिया? ये रहे आपके विकल्प। क, घर से बाहर। ख, घर के अंदर। ग, गांव से बाहर। और घ, शहर से बाहर। सोचे सोचे भोला ने सारंगी को कहां फेंक दिया था? बिल्कुल सही, गांव से बाहर फेंक दिया था। इसका अर्थ यह हुआ कि विकल्प ग सही है। इसका सामने हम सही का निशान लगा देंगे। बच्चों, आपने पाठ को अच्छी तरह से समझ लिया। आपने देखा कि भोला की नादानी के कारण वह या बात नहीं समझ पा रहा था कि सारंगी का स्वाद मीठा नहीं था, सारंगी मीठी नहीं थी, बल्कि सारंगी से निकलने वाला धुन मीठी थी। ठीक है, तो बच्चों यह पाठ आपको अच्छी लगी होगी। आप घर पर इसका अभ्यास कीजिएगा, ठीक है, और सारंगी का एक चित्र बनाइए। साथ ही साथ आपने जिन जिन वाद्य यंत्रों यानी कि संगीत के यंत्रों को देखा है उसका चित्र बनाइए और अपने दोस्तों के साथ इसकी चर्चा कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। अगली क्लास में इसी पाठ के अभ्यास कार्य के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक आप अपने घर के आसपास साफ सफाई रखिए। आप स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।